उत्तरकाशी में शीतकाल के लिए चार धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। इस दौरान धाम में बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। यमुनोत्री धाम के कपाट शनिवार को बंद होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि शीतकाल के 6 महीने माँ गंगा और यमुना के दर्शन शीतकालीन पड़ावों में ही किए जाते हैं। पतित पावनी गंगा मैया की जोली आज अन्नकूट के दिन यहाँ से प्रस्थान करेगी और आज यहाँ से कोपन पहले भैरव घाटी मंदिर में जाएगी। भैरव घाटी मंदिर में भैरव बाबा का के कपाट में बंद होंगे शीतकालीन के लिए और फिर वहाँ से आगे बढ़ेगी। कोपांग में भी ITBP के द्वारा स्वागत एवं वहाँ पे भी विशेष पूजा रखी गई है परंपरा के। फिर चंदन ऋषि जांगला आश्रम में थोड़ा सा गंगा जी रुकेगी, वहाँ भी थोड़ा सा पूजा होगी। आज माँ गंगा के कपाट के बंद पर माँ गंगा शीतकालीन प्रवास के लिए अपने शीतकालीन प्रवास ग्राम बुखार में जा रही है। मैं इस अवसर पर समस्त देशवासी से देशवासियों को और जो भी दूर दूर से आए हुए यहाँ पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार विगत 2 वर्ष से वैश्विक कोविड की बीमारी से हम लोगों को 2 साल की जो हमारी चारधाम यात्रा नहीं चल पाई थी, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति की खराब हो गई थी,